बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार हकीकत नहीं बन सका, जुमला ही साबित हुआ। लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से बीजेपी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से नेता चुन लिया है और साथ ही दल भी हर संभव सहयोग की बात कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार का इमोशनल भाषण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए झुकना संकेत तो यही दे रहा है कि बीजेपी के संकट मोचन ने सहयोगी दलों के साथ डील हर तरह से पक्की कर ली। और जब सब कुछ मनमाफिक हो रहा है तो बड़े फैसले में भला कौन सी मुश्किल आड़े आ सकती है। मुश्किल की एक ही वजह हो सकती है, किसी का सोचा हुआ होता ही कब है। अगर ऐसा होता तो क्या बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने से पहले ही रुक गई होती। हुआ तो यही है। रही बात बड़े फैसलों की, तो ऐसे मसलों से सबसे ऊपर नाम तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही आता है। और अगर विपक्षी दलों के चुनाव कैंपेन को देखें तो अग्निवीर स्कीम भी एक बड़ा मुद्दा ही लगता है। एक देश एक चुनाव भी देखा जाए तो बड़े फैसले वाला ही प्रोजेक्ट है। एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर कोई खास विरोध तो नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि ये बीजेपी सरकार का प्रस्ताव है इसलिए स्वाभाविक विरोध तो विपक्ष की मजबूरी ही है। वैसे चुनाव कैंपेन में ये भी समझाने की कोशिश हो रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो आगे फिर कभी देश में चुनाव नहीं होंगे, भारत में भी रूस और चीन की तरह तानाशाही आ जाएगी। चुनाव कैंपेन का असर तो हुआ ही है, वरना बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल करने से दूर कैसे रह जाती। और अब चूंकि बीजेपी कमजोर होकर आई है इसलिए एक साथ चुनाव कराने का फैसला तो सहयोगी दलों की सहमति के बगैर होने से रहा। किंग मेकर बनकर उभरे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने तो पहले ही एंडोर्स कर दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि इस मुद्दे पर जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं है। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी किंग मेकर बने हैं और उनकी भी सहमति जरूरी होगी। बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले एजेंडे में तीन मुद्दे प्रमुख रहे हैं। पहला, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। दूसरा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना। और तीसरा, पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। जम्मू कश्मीर में धारा 370 तो मोदी सरकार की दूसरी पारी शुरू होते ही खत्म कर दी गई थी और मोदी के दूसरे कार्यकाल के आखिर तक अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन बीजेपी को राम मंदिर मुद्दे का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला। अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार इसका सबसे बड़ा सबूत है। राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील होने के कारण इसे लागू कर न पाना मोदी सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। देश में 22वें विधि आयोग में 14 जून 2023 को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विभिन्न पक्षों से एक महीने के भीतर अपनी राय देने को कहा गया था। राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अब यूसीसी को लेकर नरम रुख अपना लिया है। पहले तो बीजेपी के साथ रहते हुए भी बिहार में यूसीसी लागू करने से मना कर दिया था, लेकिन अब जेडीयू का कहना है कि यूसीसी के मुद्दे पर हर एक पक्ष की राय ली जाए। पक्का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिटारे में और जो कुछ भी है, लेकिन यूसीसी उनमें से एक तो नहीं है। और इस मामले में मोदी सरकार कोई कदम बढ़ाती है और अंजाम तक पहुंचाती भी है तो ये सबसे बड़ा फैसला होगा। पूरे लोकसभा चुनाव कैंपेन में अग्निवीर का मुद्दा छाया रहा। राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के नेताओं के भाषण में बार बार इसका जिक्र सुनने को मिला। सभी की जबान पर एक ही बात थी, इंडिया ब्लॉक की सरकार तो नहीं आई, लेकिन बीजेपी के अंदर चुनावी प्रदर्शन पर चर्चा में अग्निवीर योजना तो आई ही थी। नाराजगी तो थी ही लोगों में, खासकर युवाओं में जो पक्की नौकरी चाहते हैं। चुनावों के दौरान ही ये खबर आई थी कि सेना अग्निवीर योजना पर एक फीडबैक ले रही है ताकि अगर जरूरी लगे तो उसमें आवश्यक सुधार किया जा सके। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला ही माना जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 8।